यार आज करेंगे रीफ की बात राजस्थान के साथ। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आपने देखा होगा रीफ राजस्थान के काफी सारे अलॉटमेंट आ गए हैं, चाहे वो TFWS सीट हो। हाँ जी, वैसे तो बड़े ही खुश है बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि फीस नहीं देनी, TFWS सीट मिल चुकी है। या फिर जो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के जो बच्चे थे जिन्होंने रीफ राजस्थान में अप्लाई किया था और उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, काफी सारे पेरेंट्स तो इस बात से परेशान है। भैया हमारे 2000 रैंक थी, 3000 रैंक थी, 1300 रैंक थी, लेकिन हमको सीट अलॉट नहीं हुआ। एक आप लोगों को वहाँ पे और ऑप्शन दिखा रहा होगा, चॉइस एडजस्टेड, इसका क्या रीजन होता है, ये क्या सारा सीन है। शुरू से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं रीफ राजस्थान की। तो अगर मेजोरिटी बच्चों की जब हमने चॉइसेस देखी, क्या चॉइस डाल रखी, जरा देखे तो क्या डाला इसने, तो बच्चों के जो चॉइसेस थे वो आपको जानना चाहिए क्या था। जिसके 2000 रैंक है चाहे 3000 रैंक हो, उनकी यही चॉइस है। फर्स्ट नंबर पे वो डालेंगे MBM इंजीनियरिंग कॉलेज CSC ब्रांच, वाव इंटरेस्टिंग। उसके बाद CTU उदयपुर, RTU कोटा। हाँ, इनकी पहले वो क्या डालते हैं, पहले CSC डालते हैं तीन कॉलेजों की, उसके बाद में IT डालते हैं, उसके बाद में जयपुर के कुछ प्राइवेट कॉलेज है उनकी कुछ डालते हैं डिग्री, उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज है अजमेर के अंदर उसकी डिग्री डालते हैं। टोटली उनकी जब हमने चॉइसेस देखी तो कॉलेजेस कुछ ही ऑलमोस्ट 11-12 कॉलेज थे, ठीक है, मैक्सिमम यही कॉलेज थे। अब यार जो आउट ऑफ राजस्थान वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या करता है राजस्थान, सिर्फ 15% सीटें रखता है, 15% सीटें सिर्फ। यानी कि अगर 100 सीटें किसी कॉलेज में है तो 15 सीटें ही आउट ऑफ राजस्थान वाले को मिलेगी, सिर्फ 15 सीटें। आप ये अंदाजा लगा के चलिए कि ऑलमोस्ट सीटें 60 सीटें रहती है कॉलेजों में, ठीक है, किसी भी ब्रांच में, बहुत बार 120 भी रहती है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजों में 60 सीटें रहती है। अब आप 60 का 15% लगा के चलो, उसके बाद में आप अपनी रैंक देखो, भैया मेरे 2000 रैंक है, मेरे 1500 रैंक है, उस कंडीशन पे क्या आपको सीट अलॉट होगा, नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 1300 रैंक भी है, 1400 रैंक भी है, अब उनको लोअर ब्रांचेस भी नहीं लेना, भाई मैं कंप्यूटर साइंस लूंगा, मैं कोई केमिकल प्रोडक्शन मैकेनिकल वाला बंदा थोड़ी हूँ, हाई रूड हाई प्रो व्हाट्सएप वाली जिंदगी मैं भी जीऊंगा, गूगल, व्हाट्सएप, अमेजोन, जीसोक, अडोबी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर मैं भी कोड लिखूंगा, नंबर से मेरे 60% ही आए, 70% ही आए, लेकिन बनना कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही है। अब ऐसे पता उसको भी नहीं है कि होता क्या, आखिरकार क्या पढ़ते हैं, लेकिन बनना है भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, और ऐसे रैंक पे अलॉटमेंट नहीं आता है। इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, वेल इसके लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, डायरेक्ट एडमिशन, स्पॉट एडमिशन में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। खैर कुछ आप स्टेट्स के कॉलेजेस की हम बात करेंगे, जैसा कि हमारा महाराष्ट्र हो गया, 500 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं, ठीक है, काफी अच्छे कॉलेज हैं, इंफ्रा इनोवेशन टेक्नोलॉजी फंडिंग गवर्नमेंट कॉलेज भी काफी सारे हैं, वहाँ पे आपका एडमिशन काफी लो मार्क्स पे 12th बेस पे भी हो जाता है। वैसे महाराष्ट्र के अंदर एक CET का एग्जाम भी देना पड़ता है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे वहाँ पे JEE और CET दो प्रकार के चलते हैं, हमारे राजस्थान में रीफ की काउंसलिंग होती है, वहाँ पे CET की काउंसलिंग होती है। उसके बाद में हमारा आता है गुजरात, गुजरात के अंदर क्या होता है, एक काउंसलिंग चलती है जिसका नाम है SCPC, हाँ जी SCPC काउंसलिंग। अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो देन आप SCPC के लिए एलिजिबल हो, प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्यारा पंजाब, हाँ पंजाब के अंदर काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, काफी सारी सीटें भी हैं, आपको वहाँ पे काफी अच्छे कॉलेजेस देखने को मिल सकते हैं। वैसे यार हम भी बहुत सारे बच्चों की हेल्प करते हैं, पिछले 6 साल से हम ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, हमारे पास इससे बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे हम बच्चों के डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं। भैया है तुम्हारे राजस्थान के पास वैसे तो पानी नहीं है, और भी बहुत सारे कॉलेजों में इंफ्रा इनोवेशन टेक्नोलॉजी फंडिंग कुछ नहीं है। जैसे आपने शार्क टैंक इंडिया आया था देखा होगा, कितने स्टार्टअप आए थे राजस्थान से, कितने बच्चे कौन कौन से कॉलेजों से आए थे देखा आप लोगों ने, कोई नहीं आया, क्यों, मारवाड़ कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, पिसो धंधो व्यापार दुकान मकान कैसे नहीं बना रहे वो लोग स्टार्टअप। डोंट वरी यार, हमारे यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो है पे आफ्टर सर्विसेज, यानी कि हम आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन करा देते हैं, आप उसके बाद में हमें पे बैक कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए बहुत मोटा पैसा चार्ज करते हैं। हाँ इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो जो कि आपको बोर्ड लाइन नंबर दिख रहा होगा, आपके लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपके एडमिशन कराते हैं, जिसके अंदर कॉलेजेस इंक्लूड है पंजाब, महाराष्ट्र, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, गुजरात, पुणे
और मुंबई जैसे शहरों के अंदर। वैसे यार कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर बात करूँ तो आपको अदर अदर जगह पे भी मिल सकते हैं, जैसे कि एक जम्मू कश्मीर में भी एक कॉलेज है, काफी अच्छा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। मिजोरम, असम, त्रिपुरा और वो वाला नॉर्थ वाला एरिया आप छोड़ सकते हो। इधर वाला जो एरिया है चाहे वो उत्तर प्रदेश में काफी सारे कॉलेज है, आपको सीएससी चाहिए लो रैंक पे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको यार अगर स्पॉट एडमिशन चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, मेरे को तो इस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मेरा तो लो रैंक है, बहुत कम मार्क्स है, देन आप हमारे एक्सपर्ट टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों के अंदर स्पॉट और एडमिशन के जरिए मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपका एडमिशन कराया जा सकता है। डोनेशन आर अप्लीकेबल। ओके, और भी कोई सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में यार आप लोगों को कौन बताता है। वैसे काफी सारे हजारों बच्चे कमेंट बॉक्स में डाला करते हैं, मेरे इतना रैंक आ रहा है, मेरे 1300 रैंक है, 1400 रैंक है, 1500 रैंक है, नहीं मिलेगा भाई इतनी रैंक पे कुछ, और कमेंट में कौन बताएगा आप लोगों को। इसलिए हमारा रीप का काउंसलिंग चलता है जिसका प्राइस है सिर्फ 499 रुपीज। आपकी कंप्लीट डाउट होते हैं, भैया मेरे 6000 रैंक है, 14000 रैंक है, जनरल में, एससी में इतना है, एसटी में इतना है, देन आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया जाता है, भाई तेरा होगा नहीं होगा, तेरे को इससे कुछ उम्मीद रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप लोगों की हम सेवा में तत्पर अवेलेबल है।